हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकीस व्लॉग। हमारे घर पर बहुत दिनों से एक प्लानिंग चल रही थी और वो प्लानिंग है कैमरा लगाने वाला। सीसीटीवी कैमरा, देखिए यहाँ पर वायर्स वगैरह बिछे हुए हैं सीसीटीवी के लिए। तो यहाँ से अब वायर जो है ये इस वेंटिलेटर से हमारे कॉम्प्लेक्स से होकर बाहर निकलता है, तो वहाँ से फिट होगा। और यहाँ पर देखिए भैया कैमरा फिट कर रहे हैं और पापा हमारे जो यहाँ वरांदे पे एक कैमरा लगवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा पूरा व्यू अच्छे से दिखेगा हम अंदर जाते तक से। तो पापा हमारे यहाँ चार कैमरे लगवा रहे हैं, दो बाहर एक अंदर और एक बाड़ी साइड, क्योंकि बाड़ी साइड बहुत खुला खुला है। तो यहाँ पर भैया लगा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर कैमरा लगा रहे हैं और केबल को ला चुके हैं, इसलिए यहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए कैसे लगा रहे हैं हमारे भैया। और यहाँ पर सब इनका सामान रखा हुआ है और यहाँ पर एक छोटू भैया हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। एक असिस्टेंट रहता है तो काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो असिस्टेंट के तौर पर अपने भाई को लाए हैं और वो शायद काम भी अपना अभी सीख रहे हैं। और यहाँ पर उनका बॉक्सेस है, कैमरा का बॉक्सेस है और वीडियो रिकॉर्डर का, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर का बॉक्स है और सेटअप एक बॉक्स होता है उसका भी पूरा सामान वगैरह लाए हैं। और इसका ज़्यादा बर्डन करके सामान नहीं लाए हैं, एक बाइक में ही आए हैं और इतना सारा सामान वो ले आए हैं। और अभी भैया बाहर चले गए हैं, वहाँ से केबल्स को अंदर ले जाएंगे। तो भैया बाहर चले गए हैं और यहाँ पर केबल्स जो है एक साथ वो रखेंगे, उसके लिए वो खील लगा रहे हैं, तो इधर से वो ले जाएंगे। और इसमें बहुत सारी केबल्स लगती है और सब तरफ से इसको जाना पड़ता है। तो भैया जा रहे हैं, यहाँ पर भैया लेंगे अब सब वायर्स को एक साथ और उस पर कील लगाएंगे। तो ये काम तो वो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब उसका बॉक्स रेडी हो रहा है जो सेटअप बॉक्स की तरह दिख रहा है। और यहाँ पर छोटू भैया हैं वो पूरा ही कर रहे हैं और उनको जो नहीं आ रहा है वो उनसे पूछ ले रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और इस सीख रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ में नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। और छोटे से हैं फिर भी सीख रहे हैं। हमारे भैया जो हैं वो आगे का काम कर रहे हैं, इसमें छोटे छोटे बॉक्स लग रहे हैं। मैं तो उतने इलेक्ट्रिकल का मुझे नॉलेज नहीं है, बट अगर आपको नॉलेज है तो आप मुझे बताइएगा कि ये क्या है और इसका क्या फंक्शंस है। पापा से भैया जी बात कर रहे हैं कि ये क्या है, ये कैसा है, पापा पूछ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छे क्वालिटी का है और इसमें आप बोल रहे हो वो हो सकता है। यहाँ पर बॉक्स का में खोल के पूरा अंदर का इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह डाल के नट ब्रूट वगैरह फिटिंग हो रही है। यहाँ पर भैया वायर को लेके सब फिटिंग कर रहे हैं। देखिए कितने कलरफुल वायर्स हैं यहाँ पर, और मुझे इतना नॉलेज नहीं है वायर्स के बारे में, इसलिए मैं कलरफुल बोल रही हूँ। और यहाँ पर फिटिंग सब कर रहे हैं पर, और ये सब बॉक्सेस जो है हमारे टीवी के साइड में ही लगेगा। और यहाँ पर जो ऊपर वेंटिलेटर है खिड़की के ऊपर, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी आता है, तो पापा जो हैं उसको देखते हुए इसको फिट कराएंगे कि कहाँ पर कराएं। वैसे टीवी के साइड में ही होगा ये फिट, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर कराना है ये तो पापा ही बताएंगे। भैया जी पूरी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर फिटिंग हो। और सबसे पहले भैया जी जो है बरामदे का कैमरा लगाए हैं ताकि एक सैंपल मिले देखने के लिए कि कैसा हो रहा है जब टीवी में फिट करेंगे ये सब बॉक्सेस को। तो भैया जी फिट कर रहे हैं। ये रहा हमारा माउस जो
बहुत ही सुंदर दिख रहा है। हम लोग सोच रहे थे कि इसको कैसे कहाँ पर रखेंगे, लेकिन इसको हम ये नीचे जो है लटकता रहेगा, तो हम इसको पैर पे ऐसे रख के हम चला सकते हैं। तो मैं उसके लिए ठीक हो गई। और यहाँ पर मेरे जी का काम यहाँ पर चल रहा है, बाहर का, अंदर बाहर सब तरफ बहुत सारे वायर्स लग रहे हैं, और जहाँ पर नहीं लग रहे हैं वहाँ पर भी एक रास्ता बना ही लेते हैं जब काम होता रहता है। तो हम लोग जब बैठे बैठे सोचते रहेंगे कि कहाँ से होगा कैसे होगा, तो हम लोग को रास्ता मिलता नहीं, जब करते जाते हैं तो रास्ता मिल जाता है। तो यहाँ पर भैया जी कर रहे हैं और रास्ता निकाल रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से हमारा ये कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जाएगा, उसके बाद वो हॉल पे निकलेगा। देखिए यहाँ पर हमारा कार था, उसको हम लोग वहाँ पर रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मीटर है और मीटर से ही सब केबल अंदर गया है। तो मीटर है यहाँ पर, और भैया जी फिट करके अब अंदर जाएंगे, क्योंकि इसके आगे तो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर से यहाँ पर खिड़की पे से अंदर यहाँ ले जाएंगे। यहाँ पर एक और वेंटिलेशन है, वहाँ पर से सीधा हॉल आता है, वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर फिटिंग सब स्टार्ट होगा। और इस पर बहुत सारी वायर्स है, देखिए कितनी सारी बंडल बंडल वायर्स लगी हैं यहाँ पर, बहुत सारी। यहाँ पर से आएगा हमारा वायर्स, उसके बाद यहाँ पर फिटिंग होगी। यहाँ पर ये हमारा बाड़ी साइड है, बहुत ही खुला खुला है, इसलिए यहाँ पर सीसीटीवी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पापा यहाँ पर भी लगवा रहे हैं, देखिए सब लगवा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आ गया, ये फिटिंग हो रही है केबल की और बॉक्सेस की। तो यहाँ पर पापा बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि कैसे फिट कर रहे हैं। पापा जो है देख देख के सब सीख जाते हैं, तो वो देख रहे हैं कि कैसे कैसे फिट कर रहे हैं। और यहाँ पर पापा इसको लिए और इसका देख रहे हैं कि इसका क्या क्या फंक्शन होता है, इसमें क्या क्या लगता है, ये सब चीज़, क्योंकि पापा को इलेक्ट्रिकल नॉलेज है। लेकिन पापा अब सीसीटीवी भी देख रहे हैं कि कैसे फिर होता है, क्योंकि ये तो घर ही में रहेगा, तो पापा को ही इसको ऑपरेट करना पड़ेगा हर वक्त, भैया थोड़ी ना आएंगे। तो पापा भी देख रहे हैं कि कैसे ऑपरेट करना है। यहाँ पर बॉक्सेस जो है फिट हो रही है, और भैया जी देख रहे हैं कि बॉक्स फिट करने के लिए स्विचेस रहती है, वो उनको नहीं मिल रही है, टीवी के पास नहीं मिल रही है, तो उसको ही ढूँढ रहे हैं। और हम इस सीसीटीवी को हम टीवी पर ही लगवा रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा टीवी देखते नहीं, और ये सामने में भी है। और पापा बता रहे हैं कि बॉक्सेस को कहाँ पर रखना है, और भैया ढूंढ रहे हैं कि केबल कहाँ पर है, पापा भी एक बार देख रहे हैं कि कहाँ पर है। वैसे तो होता है पर दिख नहीं रहा है, ऐसा बोल रहे हैं भैया, तो देख रहे हैं। यहाँ पर टीवी को शायद निकालेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, अब निकाल रहे हैं टीवी को। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे टीवी ऐसे निकलेगा, और कैसे निकलता है ये भी नहीं पता था। निकाल लिया भैया और पापा स्विच ढूंढ लिए हैं, और भैया भी देख लिए स्विचेस को। अब ये निकल ही चुका है, तो हमने सोचा थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो टीवी ऐसे कभी निकलता नहीं है, लेकिन अब निकल ही चुका है तो हम साफ़ कर लेते हैं। तो साफ़ उसको किए पूरा, और दीवार पे जो एक है उसको भी साफ़ किए, उसके बाद सब फिटिंग्स वगैरह किए। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा कैमरा, ये बरामदे में है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। भैया टेस्टिंग के लिए गए हैं कि कैसा है। यहाँ पर हमारा लग रहा है बाहर का कैमरा, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर बाड़ी साइड का कैमरा लग रहा है, और वो फ़ोन करके पूछे भैया कि कैसा चल रहा है और कैसा है व्यू, ये सब को डिसाइड करके ही भैया लगाए यहाँ पर हमारा कैमरा। और ये देखिए हमारा कैमरा जो है लग चुका है, और हम यहाँ पर दिख रहे हैं। ये रहा हमारा फाइनल व्यू, देखिए हमारा चारों कैमरा बहुत अच्छी तरीके से फिट है। ये रहा हमारा फर्स्ट कैमरा, जिसमें
बहुत ही अच्छा और सब तरफ अच्छे से व्यू दिख रहा है। और उसके बाद रहा ये हमारा सेकंड कैमरा, उसमें भी पूरा गाड़ी और रोड कौन आ जा रहा है सब अच्छे से दिख रहा है। और फिर ये रहा हमारा थर्ड कैमरा जो हमारे सेकंड साइड वाले गाड़ी के पास लगा है, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से व्यूज़ वगैरह दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और ये रहा हमारा फोर्थ वाला कैमरा बॉडी साइड में जो लगा है, और वो भी सब चीज़ बहुत अच्छे से दिख रहा है। हमारा चार कैमरा लगा है और चारों बहुत अच्छे से हमको दिख रहा है।